नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कल यानी फ्राइडे को बाजार का क्या आउटलुक दिख सकता है और बेस्ट पॉसिबल ट्रेड कहाँ दिखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कल आरबीआई की मीटिंग होनी है और मुझे लगता है कि कल जो आरबीआई की मीटिंग होगी उसका रेपो रेट अनचेंज रहने वाला है और 0.5% के ही रहने वाले हैं। तो इस समय आगे के ट्रेंड और न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहेंगे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। इस समय 20901 के प्राइस पे निफ्टी ट्रेड होते दिख रहा है और ऐसा माना गया है कि फ्राइडे और मंडे एक ऐसा डे होता है जहां वोलेटिलिटी काफी अनएक्सपेक्टेड होती है। तो एज ऑफ नाउ अभी भी निफ्टी स्ट्रांग ही दिख रहा है और कल हमने हमारे वीडियो के एनालिसिस में कहा कि रिलायंस और HDFC बैंक जो कि हाईएस्ट वेटेज वाला इंडाइसेस का कंट्रीब्यूटर है, ये दोनों स्ट्रांग है और इस समय निफ्टी में बड़ी गिरावट दिखना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। अब मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम के एनालिसिस को दिखाऊं और देखेंगे कि आज भी जो निफ्टी है वो एक नैरो रेंज कंसोलिडेट फॉर्म में रहा, एक नैरो रेंज कंसोलिडेट फॉर्म में रहा और हमने कहा था अपने प्रीमियम ग्रुप और कल के जो एनालिसिस थे उसमें कि 20,842.60 इज अ मेजर डिमांड जोन, क्योंकि एक बड़े फॉल के लिए कल के जो हाई थे डबल टॉप ब्रेकडाउन होने चाहिए थे। यहां अगर 20,850 के नीचे आता तो बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करते, जब तक ये लेवल नहीं आता है बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और ये एक ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ही ब्रेकडाउन करेगा। तो अगर 20,900 और 940 के बीच में कहीं भी ओपनिंग होती है तो इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। 20,940 के ऊपर इजिली 20,970, 21,010 और उसके बाद 21,050 से लेकर के 21,100 प्लस तक का लेवल दिखेगा। अपर साइड ट्रेंड, ये डायरेक्शनल ट्रेंड। वैसे ही पुट के लेवल के लिए क्या है, 20,850 के लेवल को ब्रेकडाउन करने देंगे, पहला टारगेट छोटा टारगेट 20,820 और यहां तक ये वाला टारगेट 820 और 800 और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है फिर हम बड़े टारगेट के लिए आएंगे जो 20,760 से लेकर के 700 के लेवल्स दिखाएंगे। डाउनसाइड का जो रिवर्सल सपोर्ट है, दो सपोर्ट है, पहला 20,850 और दूसरा सपोर्ट है 20,760, ये कॉल का रिवर्सल हो सकता है और अगर 20,940 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 21,020 और 21,080 ये पुट के दो रिवर्सल दिखेंगे। ये सिंपल एनालिसिस निफ्टी का है और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देखेंगे कि बैंक निफ्टी में बेस्ट पॉसिबल ट्रेड कहां दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी जो है कल यहां 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें, इससे पहले एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं। डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी क्लोजिंग जो है वो निगेटिव ही रहा, यहाँ बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना था जो बॉडी को इनगल्फ करा था और आज की क्लोजिंग भी जो है वो निगेटिव ही है। कल एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, आइदर अपर साइड और लोअर साइड, वो तो कल डिसाइड होगा, लेकिन यहां से एक बेस्ट पॉसिबल ट्रेड हो सकता है। कल के लिए बैंक निफ्टी को याद रखेंगे, एक ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है और 47,000 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे। एक बार 47,000 को ब्रेकआउट करा तो 47,120, 47,240 और 47,400 प्लस तक के लेवल्स, इसके ऊपर आप पहला 3 to 400 तक के लेवल्स देखेंगे। लोअर साइड के लिए ये एक ट्रेंड लाइन है और 46,600 के लेवल के नीचे ही पुट लेंगे। अगर इसको तोड़ता है तो 46,520, 46,400 और 46,220 तक के डाउन ट्रेंड दिखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। इसके नीचे 600 के नीचे ही पुट में आएंगे और अगर अपर साइड 47,000 को ब्रेकआउट किया तो रिवर्सल 47,400, 47,700 और नीचे कॉल के रिवर्सल 46,300 पे ही लेंगे।
एक बार 46,600 को गिरा तो 300 तक के डाउनसाइड देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।